जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन बार बार आता है, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में पंखा लगा ही होगा, ट्यूबलाइट लगी ही होगी, टीवी होगा, एलईडी बल्ब होगा, फ्रिज होगा, समर्सिबल लगा ही होगा, वॉशिंग मशीन होगी, मिक्सी होगी और कंप्यूटर, मतलब ये 9 उपकरण आपके घर में लगे ही लगे होंगे, तो आपको अपने घर में कितने किलोवाट का मीटर लगवाना चाहिए? अगर इतनी चीज़ें आपके घर में लगी हुई हैं तो आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो क्या वो सही है? उस पर कोई पेनल्टी आ सकती है? पावर हाउस के द्वारा कोई आपको पनिश किया जा सकता है? उसको जानेंगे कि मतलब इतना प्रोडक्ट आपके घर में लगा ही लगा होता है, इतना सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। पंखा लगा ही होगा, ट्यूबलाइट लगी ही होगी, बिना ट्यूबलाइट के आप घर में रह ही नहीं सकते हैं, टीवी भी आप चलाते ही होंगे, एलईडी बल्ब आपको जलाते ही होंगे, फ्रिज होगा, समर्सिबल होगा, वॉशिंग मशीन, तो मिक्सी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं घर के लिए। तो इतनी चीज़ें अगर आपके घर में लगी हुई हैं तो मीटर कितने किलोवाट का आपके घर का होना चाहिए, इसको कन्फ्यूज़न को इस वीडियो के दौरान हम लोग दूर करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि हमारे घर में अगर वो मीटर लगा हुआ है तो वह सही है कि नहीं सही है, और अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं सही है तो हम क्या कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको, अगर कोई समस्या आती है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, उसको भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊँगा। देखिए, आपके घर में जो पंखा है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पंखा आपके घर में, चार पंखे आपके घर में लगे ही हुए होंगे, कम से कम चार पंखे होंगे होंगे आपके घर में। उसके साथ साथ आपके घर में जो ट्यूबलाइट है वो भी कम से कम चार ट्यूबलाइट होगी, टीवी जो होगा वो एक टीवी होगा ही होगा, एलईडी बल्ब आप लगाते हैं वह एलईडी बल्ब कम से कम 5 एलईडी बल्ब तो आपके यहाँ होगा ही होगा, फ्रिज जो है एक होगा, उसके साथ साथ जो समर्सिबल लगा होगा वह एक लगा होगा, और वॉशिंग मशीन जो होगी वह एक वॉशिंग मशीन होगी, इसके साथ साथ जो मिक्सी होगी वह एक होगी, और कंप्यूटर जो होगा वह एक ही कंप्यूटर होगा। तो जो हमारा पंखा होता है वह पंखा एक एवरेज हम रखते हैं कि जो हमारा 70 वाट का हमारा पंखा होगा, उसके बाद जो ट्यूबलाइट है हमारी वह 20 वाट की ट्यूबलाइट हमारे होती है, जो एलईडी की ट्यूबलाइट हमारी होती है, इसके साथ जो टीवी वह 50 वाट की हमारी टीवी होती है, जो एलईडी बल्ब है हमारा वह 7 वाट का हमारा एक एवरेज जो है मध्यम वर्गीय परिवार में इस प्रकार से ही होता है, 7 वाट का ही लगाया जाता है। जो फ्रिज है वह हमारा 200 वाट का हमारा फ्रिज होगा, और जो समर्सिबल होगा वह कम से कम 1 HP मतलब 746 वाट का, जो वॉशिंग मशीन है वह कम से कम 300 वाट का हमारा वॉशिंग मशीन होगा, या जो मिक्सी है हमारा वह उसमें कम से कम 600 वाट की जो मोटर लगी होगी, और जो कंप्यूटर है हमारा वह 100 वाट का हमारा कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, तो 7 × 28 280 वाट का आपका पंखे का लोड हो गया, और 20 × 80 80 वाट का आपका ट्यूबलाइट का वो लोड हो गया, और यह जो है हमारा 50 वाट का टीवी का हो गया, और 7 × 5 = 35 वाट का इसका हो गया, और यह जो है हमारा यह 200 वाट का इसका लोड हो गया, उसके बाद 746 वाट का इसका लोड हो गया, और यह जो है हमारा यह 300 वाट का हमारा लोड हो गया। ठीक है, यह हमारा 300 वाट का लोड हो गया। इसके साथ साथ जो मिक्सी है हमारी वह 600 वाट की है, तो 600 वाट का लोड हो गया, और जो कंप्यूटर है हमारा वह 100 वाट का है, तो यह हमारा 100 वाट का हमारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो इतना लोड आपके घर का होगा ही होगा। तो अगर हम इन सभी का यदि आप लोड कैलकुलेट करें तो देखिए, 280 और 80, अब आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2391 वाट, इतना आपके घर का लोड है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि जो आपके घर में जो औसतन एक जो मध्यम वर्गीय परिवार के घर में जो मीटर लगा हुआ होता है वह 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ होता है। तो 2 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 2 किलोवाट का मतलब यह होता है कि उस मीटर पर आप एक समय में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 वाट का लोड आप चला सकते हैं, मतलब इतना लोड आप उसके ऊपर डाल सकते हैं और चला सकते हैं। अब क्या होता है कि
इसमें एक फैक्टर होता है हमारा, वह होता है हमारा MDI। अब MDI क्या करता है कि आपके लोड को सेंस करता रहता है, देखता रहता है कि आपके घर में एट ए टाइम कितना लोड चल रहा है। तो अगर वह 2000 वाट से, मतलब 2 किलोवाट से अगर लोड कम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 किलोवाट से ऊपर लोड जाता है तो वह तुरंत सेंस करके अपने पास एक रिकॉर्ड रख लेगा और उस रिकॉर्ड के अनुसार जब पावर हाउस वाले रीडिंग लेने के लिए आएंगे तो वो बता देता है MDI कि आपके घर का जो लोड है वह 2 किलोवाट से ज़्यादा है, मतलब 2000 वाट से ज़्यादा है, हाई कितना 2391 वाट है। तो क्या हो जाएगा कि मतलब आपका जो मीटर है वो कम का लगा हुआ है और आपके यहाँ का लोड जो है वो ज़्यादा है। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि MDI ने तुरंत बता दिया, तो फिर आपके ऊपर तुरंत पावर हाउस वाले क्या लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, मतलब जुर्माना लगाएंगे और आपका मीटर जो है 2 किलोवाट से बढ़ा करके 3 किलोवाट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने समस्या आएगी। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट का जब आपका मीटर होता है तो इसका जो मीटर चार्जेस होता है, जो इसका जो बिल वगैरह आता है वो कम आता है। 2 किलोवाट का जब आप लग जाता है तो उसका कुछ ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसका मान के चलिए इसका डबल हो जाता है। और अगर आपके यहाँ पर 3 किलोवाट का यदि लगा दिया गया तो ये मान के चलिए 3 गुना इसका, मतलब आपका इससे डबल हो जाएगा 3 किलोवाट का, तो मतलब आपके यहाँ का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि इसका सलूशन क्या है, क्योंकि आपके घर का जो लोड है वह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2391 मतलब 300 वाट ही ज़्यादा है। मीटर कितना है, 2 किलोवाट का है, तो मीटर के अनुसार केवल 300 वाट, 350 वाट ही ज़्यादा है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 2800 होता तो मान लेते हम कि ज़्यादा था, लेकिन 2300 था तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार से मैनेज करें, सलूशन इसका क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था शुरुआत में कि इसका सलूशन क्या होगा। तो देखिए सलूशन जो है इसका ये होगा कि अगर आपके यहाँ पर 1 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है तब तो सिंपल सी बात है आपको 2 किलोवाट का कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपके घर में ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, आप खुद भी इसका एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारे उपकरण लिख लीजिए और उन सभी के पीछे उनकी वाटेज लिखी हुई है उसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आप इस चीज़ को मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से आप फॉलो करिएगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि एक स्मार्ट तरीके से आपको चलना है। देखिए जब आप पंखा चलाइए कोई दिक्कत नहीं है, ये चलाइए कोई दिक्कत नहीं है, टीवी चलाइए, ये चलाइए, तो देखिए आप मैनेज कर सकते हैं जो बड़े लोड हैं उनमें, उनमें जैसे कि जब आप फ्रिज तो आपका चलेगा ही चलेगा, ये घर की सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है कंप्रेसर होता है वो अपने आप चलता बनता है, बंद होता है। आपको कुछ चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि देखिए बड़ा लोड आपका क्या है, 746 वाट का जो आपका यह है वो समर्सिबल है, इस पर आपका कंट्रोल है, जब आप चलाएंगे तभी चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, फ्रिज में आपका कंप्रेसर पे कोई कंट्रोल नहीं है, फ्रिज जैसे ही कंप्रेसर सेंस करेगा कि जो फ्रिज का जो मतलब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है तो वह तुरंत अपने आप कंप्रेसर को ऑन कर देगा, तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन समर्सिबल आपका कंट्रोल है, समर्सिबल को जब आप चलाएंगे तभी वो चलेगा। उसके साथ साथ जो या वॉशिंग मशीन है ना उस पर भी आपका कंट्रोल है, वॉशिंग मशीन जब आप चलाएंगे तभी वो चलेगा। और उसके साथ साथ ये जो आपका मिक्सी है इस पर भी आपका कंट्रोल है, जब आप चाहेंगे तभी मिक्सी चलेगा। तो देखिए कितना है, 300 और 600 900 900 वाट ये हो गया और प्लस 708 ये हो गया, तो कितना हो गया, 7 × 2 = 14। ठीक है, 7 × 2 = 14 15 16 1600, मतलब लगभग 1.5 किलोवाट का तो लोड यही आपका हो गया, केवल समर्सिबल, वॉशिंग मशीन और मिक्सी। तो इसमें आप मैनेज कर दीजिए, आपको क्या करना है कि आपका MDI जो है वो हर समय यही बताए कि आपका जो लोड है वो 2 किलोवाट से कम है, बस कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आप क्या करिए कि जब आप समर्सिबल चलाइए तो उस वक्त आप ना वॉशिंग मशीन चलाइए और ना ही आप मिक्सी चलाइए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 600 और 900 वाट आपका कम हो जाएगा। तो देखिए आपका 2300 है ना, इसमें से आप 900 वाट कम कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब 2400 है तो 2400 है, इसमें से आप 900 वाट कर देंगे तो आपका 1500 वाट का लोड हो जाएगा। तो जो कि 1500 वाट जो है आपका वो 2 किलोवाट से तो कम ही हो गया,
ठीक है, या जब आप वॉशिंग जो आप समर्सिबल चलाएं तो उस वक्त आप मिक्सी को बिल्कुल मत चलाइए, वॉशिंग मशीन को चलाइए, तो क्या हो जाएगा कि आपका 600 वाट फिर भी कम हो जाएगा, तो भी आप 1800 वाट का आपका लोड हो जाएगा, तो 1800 वाट तो 2 किलोवाट से कम ही हो गया ना। या आप वॉशिंग मशीन बंद कर दीजिए, मिक्सी चला लीजिए, तो मिक्सी चला लेंगे तब भी आपका 2 किलोवाट का लोड है तो 2 ही किलोवाट पे बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि आपको स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है कि जो बड़े लोड हैं वो एक साथ ना चलाए जाएं। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सारे लोड हैं, जितने भी लोड हैं, वो सभी को एक साथ चला करके यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। अब आपको मतलब पेनल्टी से बचना है और जो आपका मीटर का जो किलोवाट है उसको बढ़ने से बचाना है, तो सिंपल तरीका यही है कि आपको जो बड़े लोड हैं उनको एक साथ नहीं चलाना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे आपको चलाना है। क्योंकि मान लीजिए आपका समर्सिबल है ना, तो उसको आप जब चलाइए तो बाकी सारे लोड बंद कर दीजिए, ठीक है। तो जब सारे लोड बंद कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, केवल इसी का लोड चलेगा तो 2 किलोवाट से ही ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आपका जो MDI है वो यही सेंस करेगा हर बार कि आपका जो लोड है वह 2 किलोवाट से ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपना जो बिजली का जो मतलब मीटर की जो किलोवाट है उसको बढ़ने से बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने MDI को मैनेज कर सकते हैं और मीटर का जो किलोवाट है उसको बढ़ने से बचा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए और यदि उनके यहाँ पर यह समस्या है तो उस समस्या का वो समाधान कर पाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।